व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग फाइनली बात करेंगे एमबॉट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि गाइस यहाँ पर गेम में एक अपडेट भी आ चुका है, तो गाइस आज जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग में आपको देने वाला हूँ ये आफ्टर अपडेट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग होने वाले है। तो गाइस आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिना किसी स्किप किए देखो, क्योंकि गाइस आज जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग मैं आपको दूंगा ये ऑल डिवाइस में काम करेगा, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, चाहे लो एंड डिवाइस या फिर हाई एंड डिवाइस, हर एक डिवाइस में ये सेंसिटिविटी सेटिंग काफी अच्छे से काम करेगा। तो गाइस आपको बस वीडियो को बिना किसी स्किप किए देखना है। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करना। तो गाइस चलो बिना किसी देरी किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको गिल्ड की जरूरत है या फिर हमारे गिल्ड पे आप आना चाहते हो, आपको उसके लिए गाइस ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में गिल्ड आईडी दिख रहा है, वही गिल्ड आईडी आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको गेम में जाके फटक से रिक्वेस्ट भेज देना है, आप काफी जल्दी गिल्ड पर भी आ जाओगे। तो गाइस कुछ टाइम मैं गिल्ड को ऑटो करके छोड़ दूंगा, आप चाहो तो गाइस फटक से भेज सकते हो, इससे गाइस आप काफी जल्दी गिल्ड के अंदर आ सकते हो। हमारे टीजीडी आर्मी गिल्ड में आप काफी इजीली एंटर हो सकते हो। तो गाइस अभी बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। यहाँ पर गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहला जो सेटिंग देखने के लिए मिलता है ओ गाइस जनरल सेंसिटिविटी। और गाइस यहाँ पर ऑटो हेडशॉट लेने के लिए जनरल सेंसिटिविटी काफी ज्यादा काम करता है, और गाइस यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट वगैरह करने के लिए भी जनरल सेंसिटिविटी का काम बहुत ज्यादा होता है। तो गाइस आपको इसको क्या करना है, आपको जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे सेट करके रखना है। उसके बाद गाइस हम लोगों को नीचे देखने के लिए मिलता है रेड डॉट सेंसिटिविटी, और गाइस आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी को क्या करना है, रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी आपको 100 पे सेट कर लेना है। आपको यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी दोनों सेंसिटिविटी को ही 100 कर लेना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं 2x सेंसिटिविटी के बारे में। यहाँ पर गाइस आपको 2x सेंसिटिविटी को क्या करना है, 87 पे सेट करके रखना है। आपको 2x सेंसिटिविटी को 87 पे सेट कर लेना है। आपको इससे बेटर सेंसिटिविटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको 2x सेंसिटिविटी को 87 पर ही सेट करना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं 4x के बारे में। यहाँ पर गाइस आपको 4x को क्या करना है, आपको 4x को 78 पर सेट करना है। आपको 4x को 78 पर सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर 2x को 87 और गाइस यहाँ पर 4x को 78 कर लेना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। आई मीन गाइस अगर आप यहाँ पर स्नाइपर वगैरह चलाते हो तो गाइस उसी के हिसाब से गाइस ये बनाया गया है। और गाइस यहाँ पर जो स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी है इसको गाइस आपको क्या करना है, 64 कर लेना है। आपको 64 पर ही रखना है स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी, आपको 64 पर ही रखना है। उसके बाद गाइस लास्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फ्री लुक, और गाइस ये फ्री लुक सेंसिटिविटी जो है मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा काम करता है। अगर आप फ्री लुक बटन यूज करते हो तब भी इसका काम आपको पता चलता है, और गाइस अगर आप फ्री लुक का बटन यूज नहीं करते हो तो गाइस आपको इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी गाइस आप इसका सेंसिटिविटी 100 करके रख लो, आप 80 से ज्यादा ही करके रखना फ्री लुक का सेंसिटिविटी जो है आफ्टर अपडेट के बाद। गाइस आपको 80 से ज्यादा ही करके रखना है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 100 ही कर लो। तो गाइस आपको इतना सा करने के बाद आपका जो सेंसिटिविटी सेटिंग क्रिएट होगा, ये सेंसिटिविटी सेटिंग के साथ गाइस आपको 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी टाइम में गाइस आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंसिटिविटी सेटिंग अकेले काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और गाइस अगर ये सेंसिटिविटी सेटिंग आपको लगा कि थोड़ा सा भी काम कर रहा है तो गाइस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। उसके साथ साथ गाइस नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो और उसका रैम क्या है, ये दो चीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और गाइस उसके साथ साथ गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, फटक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर से जरूर कर लेना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।